नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ स भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब आप अपने नेत्र खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त, जो अस्य वामीय सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, इस 164वें सूक्त के कुछ विशेष मंत्रों से हम लोगों ने परिचित होने का प्रयास किया। हम लोगों ने जिन जिन मंत्रों से हम लोग परिचित हुए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दूसरा मंत्र ऋचु अक्षरे परमे व्योमन, और तीसरा मंत्र जो माताओं बहनों से विशेष रूप से संबंधित, गौरी मिमाय सलिलानी लक्षत्येक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी 41वां मंत्र, इन मंत्रों से हम लोगों ने परिचित होने का प्रयास किया है। आज हम इसी अस्य वामीय सूक्त के कुछ और मंत्रों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। इस सूक्त का 24वां मंत्र है। 24वां मंत्र ओम गायत्रेण प्रतिमिमीते अर्कमर्केण सामत्रैष्टुभेन वाकम्। वाकेन वाकम् द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः। ये 24वां मंत्र है। इस मंत्र का केवल मैं भाव आपके सामने रख रहा हूँ, और ये जो इस मंत्र का भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में क्या कहा गया? जिस जगदीश्वर से वेदस्थ अक्षर पद वाक्य छंद अध्याय आदि बनाए हैं, जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर पद वाक्य
छंद अध्याय आदि बनाए हैं उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें, जिस परमात्मा ने वेदस्थ अक्षर पद वाक्य छंद अध्याय आदि बनाए हैं, हमें बताए हैं, उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें। देखिए, ये इस मंत्र का भाव मैंने आपके सामने पढ़ा, तो ये देखिए एक प्रमाण के रूप में कितनी अच्छी बात हमारे सामने आई कि जगदीश्वर ने ही वेदस्थ अक्षर पद वाक्य छंद और अध्याय आदि सब ईश्वर ने बनाए हैं और वो हमें फिर उन्होंने बताए हैं। तो इस रूप में ये एक प्रमाण मिला कि वेद का जो ज्ञान है वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। और यजुर्वेद का प्रमाण तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही स्पष्ट है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायता। ये बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है, प्रसिद्ध प्रमाण है, लेकिन और भी प्रमाण उपलब्ध होंगे। तो आज ही ये हमें एक प्रमाण उपलब्ध हुआ कि वेद की रचना परमात्मा ने, प्रभु ने ही की है, ये ज्ञान प्रभु ने दिया है। कई बार जो इस प्रकार से लोगों के मन में एक शंका होती है, इस पर वैसे हम लोग काफ़ी विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं कि हो सकता है कई मनुष्यों ने मिल करके वेदों को बना लिया हो। यदि मनुष्यों ने वेदों को बनाया होता तो उन बनाने वाले मनुष्यों का वेदों में इतिहास मिलना चाहिए था, और वेदों के अंदर फिर ऐसे मंत्र नहीं मिलने चाहिए थे जिन मंत्रों के अंदर ये कहा जा रहा है कि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, परमात्मा ने वेदों को बनाया, फिर ऐसे मंत्र नहीं मिलने चाहिए थे। यदि मनुष्यों ने बनाए हैं वेद, वेद के मंत्रों की रचना मनुष्यों ने की है, तो फिर उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना क्यों कर दी जिसमें स्पष्ट रूप में ये कहा जा रहा है कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर की वाणी है। तो समझना है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास हो जाएगा उनके सोचने में, उनके वक्तव्य में। तो वेद के अंदर ये जो स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके अंदर ये बात कही जाती है कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद के अंदर ही प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, वेद की अंतः साक्षी से हमें ये बातें उपलब्ध हो रही हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है। वेद के मंत्र स्वयं ही प्रमाण दे रहे हैं, स्वयं ही ये बातें समझा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं वेदों की अंतः साक्षी है इस बात के लिए कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो ये 24वां मंत्र था, और इस मंत्र का भी पता आप स्मरण रखेंगे, और महर्षि दयानंद जी का भावार्थ मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, और जो पदार्थ है उसके अंदर भी ऐसा ही आशय वहाँ पर प्रकट हो रहा है। अब आगे एक बहुत बहुत ही मुख्य मंत्र है। आपने हो सकता है पूरा मंत्र आप में से बहुतों ने सुना हो, लेकिन इस मंत्र का एक भाग वेद सूक्ति के रूप में तो बहुत प्रसिद्ध है। मंत्र को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ओम इंद्रम मित्र त्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिष्मान् माहुः एकं सद्विप् प्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं
मातरिष्मान माहुः। तो इस मंत्र की जो द्वितीय पंक्ति में चीज आई, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये वेद की एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। इसके भाव को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी ने जो भावार्थ लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जैसे अग्नि आदि पदार्थों के इंद्र आदि नाम हैं, वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि सहस्रों नाम वर्तमान हैं। जितने परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उतने ही इस परमात्मा के नाम हैं, यह जानना चाहिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा को विप्र लोग, ज्ञानी लोग बहुधा वदन्ति, अनेक नामों से पुकारते हैं। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के सहस्रों नाम, हजारों नाम हो सकते हैं, वर्तमान हैं। तो परमात्मा एक ही है, उनके नाम अनेक हैं। इस तथ्य को अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर लेना चाहिए। इस सारे संसार को बनाने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले, इसकी रक्षा करने वाले, इसे चलाने वाले एक ही परमात्मा है। वेदों के अंदर उन्हें अनेक नामों से, उनके गुण कर्म स्वभावानुसार जो उनके अनेक नाम होते हैं, उनसे भी पुकारा गया है। परमात्मा का मुख्य एक नाम ओम है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परमात्मा के कई गौणिक नाम होते हैं, जिनको हम वेदों को पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है, तदेवाग्निस्तद् वायुस्। इस प्रकार से यजुर्वेद के अंदर मंत्र आता है, ओम तदेवाग्निस्, मुझे अभी थोड़ा सा विस्मृत सा हो रहा है। तो इस वेद मंत्र के अंदर क्या है, ईश्वर का नाम कि वही परमात्मा अग्नि नाम से भी हैं। तदेवाग्निस्तद् वायुस्तदुचंद्रमा तदेव शुक्रम तत्प्रमता आपः स प्रजापति, ये मंत्र है। तो इस मंत्र के अंदर एक ही परमात्मा अग्नि नाम से भी संबोधित होते हैं, वायु नाम से भी, चंद्रमा नाम से भी, और आपह नाम से भी, प्रजापति नाम से भी। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जिनके माध्यम से हमें समझना है कि परमात्मा को वेदों के अंदर विभिन्न विविध नामों से उनके गुण कर्म स्वभावानुसार पुकारा गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये विशेषता विशेष है कि उन्होंने इस सत्य को, इस तथ्य को भली भांति वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो निघंटु, निरुक्त या ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, उनसे अच्छी बात, अच्छी प्रकार से इस सत्य को समझा कि अग्नि परमात्मा का भी नाम है, वायु परमात्मा का भी नाम है। सत्यात प्रकाश के पहले समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उदाहरण के लिए परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की है, और उन्होंने वहाँ संकेत किया कि ऐसे केवल 100 नाम नहीं, हजारों नाम परमात्मा के हमें वेदों के अंदर मिलते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध सूक्ति है, वेद की सूक्ति है। बोलिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत, एक होने पर भी एक परमात्मा को विप्रा, जो ज्ञानी लोग हैं, बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से अनेक
प्रकार से परमात्मा को वदंती कहते हैं, पुकारते हैं। तो ये इसका हमें भाव समझना है। ये है 46वां मंत्र, 46th, प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र था, जिसकी हमने ये प्रसिद्ध वेद सूक्ति भी हम लोगों ने समझी। अब आगे हम लोग इस सूक्त के अंदर और जो विशेष बातें हैं उन्हें मैं थोड़ा संकेत रूप में आपके सामने रखता हूँ। इस सूक्त के दो मंत्रों को, 47वें मंत्र को और 48वें मंत्र को, 47वें मंत्र का प्रारंभ है, ओम कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपो वसानादिममुत्पतन्ती। तो ये 47वें मंत्र की प्रथम पंक्ति जो मैंने आपके सामने कही, और जो 48वां मंत्र है, ओम द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उत्तच्छिकेत। ये प्रथम पंक्ति है 48वें मंत्र की। तो ये जो 47वां और 48वां मंत्र है, इन दो मंत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अथ नव विमानादि विद्या विषय संक्षेपतः इस अध्याय में उन्होंने इन्हें प्रस्तुत किया हुआ है। अध्याय का नाम क्या है? अथ नव विमानादि विद्या विषय संक्षेपतः, अर्थात नौका, नव से अर्थात नौका, और विमान आदि से संबंधित विद्या विषय को जिसमें संक्षेप से समझाया गया है। तो ये वो जो अध्याय है उसका नाम क्या हो गया? नव विमान आदि विद्या विषय संक्षेपतः। तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर, जिसके अंदर नौकाएं कैसे बनती हैं और विमान कैसे बनते हैं, इसको काफ़ी काफ़ी मंत्रों को वहाँ दिया हुआ है। तो इन दो मंत्रों को वहाँ पर भी ऋषि दयानंद जी ने कोट किया है। ये इसी 164वें मंडल का 47वां मंत्र और 48वां मंत्र, और इन दो मंत्रों के मीनिंग्स भी उन्होंने वहाँ दिए हुए हैं। और इन दो मंत्रों के माध्यम से वहाँ पर पृथ्वी पर और जल पर, वायु, अंतरिक्ष में चलने वाले विमान कैसे बनाए जाएं, उनसे संबंधित विज्ञान को, बेसिक विज्ञान को वहाँ पर इन मंत्रों के माध्यम से वहाँ समझाया गया है। तो ये 164वां सूक्त, और इस 164वें सूक्त में जैसे मैंने कहा कि ये दो मंत्र विमान आदि एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर हैं, इसी प्रकार से जो इसी मंडल का जो 116वां सूक्त है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 116वां सूक्त, जो 116वां सूक्त है उसमें विमान से संबंधित और भी कई मंत्र आए हुए हैं। तो 116वां सूक्त इसी प्रथम मंडल का, इसका तीसरा मंत्र, ओम तुग्रोह भुज्यो मश्विनोध मेघे रहीम न कश्चिमन मम्रिवाम अवह्याः, तीसरा मंत्र है, चौथा मंत्र है, पांचवा मंत्र है, छठवां मंत्र है। ये सारे मंत्र विमान डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। बेसिक जो यहाँ पर बताए गए हैं विमान विद्या से संबंधित, जिनका जिनकी रुचि होती है कि हम देखें कि वेदों में कहाँ विमान विषयक मंत्र आए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर आपको संकेत कर दिया। 116वें सूक्त में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब विमान निर्माण से संबंधित मंत्र हैं। और 164वें सूक्त में भी वो दो मंत्र अभी हम लोगों ने समझ लिए, वो भी विमान से संबंधित हैं। और केवल ये ही नहीं, और भी वेदों में अलग अलग स्थलों पर विमान निर्माण से, नौका निर्माण से संबंधित हमें मंत्र उपलब्ध होते हैं।